नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK सैन स्टडी पॉइंट में। मैं हूं धर्मेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है, या हिंदी में बोले तो पाठ योजना प्रारूप, ये किस तरीके से बनता है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, फिर इसका जो फॉर्मेट है किस तरीके से आपको लिखना है, पूरी डिटेल पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाएँ और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं नंबर वाइज से जो पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले जो डायरी के अंदर लेसन प्लान आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है, अर्थात श्याम पट्ट जो वर्क होता है, जैसे दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, प्रकरण, समयावधि, इस तरीके से आपको पूरी एंट्री भरनी है। वैसे मैं आगे वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से आपको हर पॉइंट का जो काम है किस तरीके से करना है। पहले मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड को साफ करना है और दिनांक, कक्षा, कालांश, प्रकरण, विषय और जो समयावधि है वो आपको एंट्री करनी है। उसके तुरंत बाद में जब आप डायरी में कैसे लिखोगे, एंट्री भरने के बाद कॉपी में जब आप एंट्री भर लोगे, उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य होता है। अब ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जितने भी पॉइंट हैं इनको विस्तार से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके नॉलेज के लिए। समझना है आपको कि किस तरीके से क्या होता है, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, विशिष्ट उद्देश्य वह होता है जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों में क्या परिवर्तन होगा, उसे आपको इस विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। तो विशिष्ट उद्देश्य चार प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कौशल। ये चार तरीके के उद्देश्य होते हैं, इसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला है तीसरा पॉइंट, सहायक सामग्री। आपको किस तरीके से लिखना है अपनी जो डायरी होती है उसमें, सबसे पहले एंट्री भरनी है, दिनांक, कक्षा, विषय, इस तरीके से लिखना है अपनी कॉपी में। दूसरे नंबर पर विशिष्ट उद्देश्य की जो टेबल है वो बनेगी। तीसरे नंबर पर सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, जो भी टीचिंग एड होता है वो थर्ड नंबर के पॉइंट में लिखना है। चौथे नंबर पर जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, जो भी आप पढ़ाओगे बच्चों को, उसका पूर्व ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। तो ये पूर्व ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि बहुत सारी होती है, जैसे साइंस में बात करें तो प्रयोग, जो प्रयोगशाला विधि होती है, प्रयोग प्रदर्शन विधि, वो आप कक्षा में प्रयोग कर कर दिखाते हो, वो लिख सकते हो यहाँ पर। यदि आप प्रश्न पूछ रहे हो बच्चों से तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और यदि आप पढ़ा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, तो उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। तो विधि बहुत सारी होती है, इनका जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ा रहे हो उससे पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, उन क्वेश्चनों को लिखना पड़ता है डायरी में। नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हो उसको विस्तार से जब आप पढ़ाओगे वो इस टॉपिक के अंदर लिखा आएगा। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। इसको आप ध्यान से देखिए, यही हमारे काम का है। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि टेबल बनेगी जिसके अंदर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इस तीन तरीके से बॉक्स बनेंगे। शिक्षण बिंदु 3 लेने हैं। अब कौन कौन से लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो भी टॉपिक आप पढ़ाओगे उस टॉपिक को 3 भागों में बांटना है। जैसे कि आप यदि पाचन तंत्र पढ़ा रहे हो तो सबसे पहला जो टीचिंग पॉइंट बनेगा वो बनेगा भोजन का पाचन। सेकंड बनेगा पाचन तंत्र के
अंग कौन कौन से जो अंग हैं जो पाचन तंत्र के अंदर आते हैं, जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं। तो हमने टॉपिक क्या लिया, हमारा प्रकरण जो है हमारा, हमने लिया भोजन का पाचन। तो पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो बनेगा भोजन का पाचन, दूसरा बनेगा पाचन तंत्र के अंग, तीसरा हो जाएगा पाचन तंत्र की क्रियाविधि। इस तरीके से तीन जो अपना टॉपिक होता है उसको तीन टीचिंग पॉइंट में ब्रेक करना होता है। नेक्स्ट है, हर टीचिंग पॉइंट के बोध प्रश्न जो आप पढ़ाओगे उसमें से आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, वो बोध प्रश्न में आएंगे। तो इस तरीके से किस तरीके से आपको बनाने हैं मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। उसके बाद में जब शिक्षण बिंदु तीनों आप पढ़ा दोगे, उसके बाद में बोध श्याम पट्ट जो कार्य है, ब्लैक बोर्ड वर्क आपने पढ़ाते हुए ब्लैक बोर्ड का कहाँ कहाँ यूज किया, क्या क्या लिखा, वो सब ब्लैक बोर्ड जो वर्क है उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ा दोगे बच्चों को, तो उसके बाद में आप पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन करोगे। कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, चार तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो रिक्त स्थान वाले, एक ऐबे सैदे वाले, एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक। इस तरीके से मूल्यांकन प्रश्न चार तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप जब पूरा टॉपिक पढ़ा दोगे तो उसमें से आप चार तरीके के क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हो। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है, आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया तो आप एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनाकर बच्चों को दें ताकि वे दूसरे दिन आकर आपको दिखाएं। तो इस तरीके से ये 13 पॉइंट है, मैं आपको एक बार शुरू से फिर से बता देता हूँ रिवाइज करने के लिए। पाठ योजना का जो प्रारूप है, सबसे पहले आपको दिनांक कक्षा इस तरीके से एंट्री करनी है। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य होता है जो चार प्रकार का होता है। फिर सहायक सामग्री लिखनी है, कौन कौन सी काम आएंगी, जैसे चॉक डस्टर, इस तरीके से पूर्व ज्ञान, जो भी आप बच्चों को टॉपिक पढ़ाओगे उससे संबंधित उसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट शिक्षण विधि, शिक्षण विधि बहुत सारी होती है, मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट प्रस्तावना, और इससे नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य, जो भी आप टॉपिक पढ़ाओगे उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, इसमें टेबल बनेगी जिसमें शिक्षण बिंदु, बोध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है श्याम पट्ट कार्य, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। तो दोस्तों किस तरीके से जो ये पॉइंट है आपको भरने हैं, चलिए दोस्तों आप देखते हैं किस तरीके से आपको सारणी बनानी है, किस तरीके से आपको नंबर वाइज से लिखना है। नेक्स्ट जो भी वीडियो मिलेंगी आपके लिए वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट आते हैं 6 विषय, उन सब की लेसन प्लान मिलेंगी वीडियो के माध्यम से, बने बनाए लेसन प्लान वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उससे पहले हम पाठ योजना जो प्रारूप है उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, पाठ योजना फॉर्मेट जो है उसमें सबसे पहले मैंने बताया था ब्लैक बोर्ड एंट्री। तो आप डायरी में लिखोगे तो सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, विषय, कालांश, क्लास और प्रकरण और समयावधि। विद्यालय का नाम भी लिखा आता है तो आप विद्यालय का नाम लिख सकते हैं डायरी में, इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है विशिष्ट उद्देश्य, इसमें मैंने बताया था चार प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो टेबल बनेगी इस तरीके से बनेगी, जिसमें आगे है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो भी आप शिक्षण बिंदु पढ़ाओगे उनको यहाँ पर किस तरीके से फिट करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले नंबर पर इस तरीके से लिखना है दिनांक, क्लास और दूसरे नंबर पर विशिष्ट उद्देश्य इस तरीके से। उसके बाद में कौन कौन सी सहायक सामग्री जब आप पढ़ाओगे तो कौन कौन सी काम आएगी वो आपको इसमें बताना है। तो सहायक सामग्री, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे संबंधित यदि आप कोई मॉडल या चार्ट या कोई मानचित्र लेकर आते हो तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में जो भी कक्षा कक्ष उपयोगी सामग्री होती है, जैसे चौक, डस्टर, पॉइंटर, इस तरीके से आपको सहायक सामग्री लिखनी है। दूसरे नंबर पर नेक्स्ट है इसमें पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, जो भी आप टॉपिक लिखोगे तो छात्र को उस टॉपिक से संबंधित पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, इस तरीके से आपको लिखना है।
शिक्षण विधि मैंने बताई थी, बहुत सारी होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, शिक्षण विधि ये होती है। इस तरीके से आपको लिखना है डायरी में। वैसे मैं आगे लेसन प्लान से संबंधित पूरा बनाया बनाया लेसन जो है, पाठ योजना कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिक्षण विधि के बाद में जब आप प्रस्तावना लिखोगे, प्रस्तावना वो होती है जो पूर्व ज्ञान बच्चे उस जिस टॉपिक पर रखते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्र अध्यापक क्रिया और इधर को हो जाएगी छात्र अनुक्रिया या फिर छात्र क्रिया। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो छात्र अध्यापक क्रिया में आएंगे और उसका बच्चे जवाब देंगे वो छात्र अनुक्रिया में आएंगे। इसमें जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो अपने टॉपिक से रिलेटेड पूछे जो भी आप पढ़ाओगे, जो कि बच्चा उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि बच्चे ने पहले कभी उसका अध्ययन नहीं किया, जो कि एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना के क्वेश्चन होने के बाद फिर आता है उद्देश्य कथन। जो भी आप टॉपिक पढ़ाओगे तो जब समस्यात्मक प्रश्न प्रस्तावना में बन जाएगा तो उसके बाद में उद्देश्य कथन में आप क्या लिखेंगे कि बच्चों आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये उद्देश्य कथन के अंदर आपको लिखना होगा अपनी डायरी में। उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मैंने बताया था टेबल बनेंगी जिसमें शिक्षण जो बिंदु है वो आएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, ये सभी आएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक क्रिया और इधर को छात्र क्रिया है। टॉपिक फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो आप पढ़ाओगे उसको पढ़ाने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं और यहाँ पर छात्र उत्तर देगा। जो दूसरा बनेगा वो समस्यात्मक बनेगा। उसके बाद में शिक्षण बिंदु है या टेबल बनेगी पूरी, मैंने इसमें बनाई नहीं है लेकिन ये शिक्षण बिंदु की है। इसमें जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो यहाँ लिखना होगा आपको और जो आप पढ़ाओगे वो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हो, जो भी टीचिंग पॉइंट आप पढ़ाओगे, जैसे भोजन का पाचन, तो जो आप बोलोगे वो सब यहाँ लिखा आएगा और छात्र ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पढ़ाया है उसमें से बोध प्रश्न करने हैं, जो पढ़ाया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं कि बच्चों को क्या क्या समझ में आए, और फिर विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में भी सेकेंड जो टीचिंग पॉइंट आप पढ़ाओगे उससे संबंधित पूछने हैं। फिर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो गया, बोध प्रश्न हो गए, विकासात्मक प्रश्न हो गए। उसके बाद में सेकंड टीचिंग पॉइंट जब आप पढ़ाओगे फिर से वही बोध प्रश्न करने हैं, फिर विकासात्मक करने हैं। इसी तरीके से थर्ड टीचिंग पॉइंट फिर बोध प्रश्न, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप पढ़ाते हैं उस टाइम छात्र जो अनुक्रिया करेंगे, छात्र की जो क्रिया होगी वो होगी केवल कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद में आता है श्यामपट सार। श्यामपट सार मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। ये श्यामपट सार है, ब्लैक बोर्ड सार। जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा उसका शॉर्ट रूप लिखना है। तीनों टीचिंग पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर, वही दिनांक कक्षा छोटे छोटे रूप में, जो विषय प्रकरण इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में पहला टीचिंग पॉइंट, दूसरा टीचिंग पॉइंट और तीसरा टीचिंग पॉइंट, ये आपको अपनी डायरी में चिपकाना है। वो इसकी साइज होगी 3x4, 3x4 जो इंच होती है नाप कर आपको उसमें चिपकाना पड़ता है। और इसके ऊपर जो ब्लैक सीट आएगी, श्यामपट सार की डायरी में आप लगाओगे ब्लैक सीट आएगी जिसके ऊपर सिल्वर का जो पेन आता है, सिल्वर पेन आते हैं, कोई हरा पेन आता है, कोई ग्रीन आता है, कोई येलो आता है, उस तरीके से सिल्वर कलर का आता है जिससे आपको इसके ऊपर लिखना है, जो कि चौक का काम करेगा। फिर आता है श्यामपट सार के बाद में मूल्यांकन प्रश्न। मैंने बताया था मूल्यांकन प्रश्न चार तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो रिक्त स्थान वाले, दूसरे सही गलत वाले, तीसरे ऑब्जेक्टिव वाले और तीसरे वन वर्ड, केवल एक शब्द में आंसर, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है कि हम जो भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उससे संबंधित निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो मिलेगी लेसन प्लान से संबंधित मिलेगी, लेसन प्लान बने बनाए वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध होंगे।
छठी से लेकर 10वीं क्लास तक की सभी विषयों के लेसन प्लान हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों चैनल से अभी से जुड़ जाएं सब्सक्राइब के साथ। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको केवल सब्सक्राइब करना है जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, उसका नेक्स्ट वीडियो में समाधान किया जाएगा।